लीवर और किडनी हमारे शरीर के दो ऐसे ऑर्गन हैं कि जब तक कि 80% तक ख़राब नहीं हो जाते, हमें कोई बड़ा सिम्टम जाहिर नहीं होता है। छोटे मोटे सिम्टम्स आते रहते हैं बीच बीच में, जिनको हम में से ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। पता तब चलता है जब कोई बड़ी मुसीबत सामने आके खड़ी हो जाती है। डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और उसमें पता लगता है कि आपका 80% लीवर या 80% तक किडनीज डैमेज हो चुकी हैं। तो फिर बाद में इसमें लाखों लाखों रुपया खर्च होता है, इंसान का घर मकान बिक जाते हैं और ज़्यादातर लोग इसमें पूरी तरीके से ठीक हो भी नहीं पाते। तो खैरियत इसी में है कि इंसान अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को ट्रैक करे, अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करे और इसको ट्रीट कर ले। आज ट्रीटमेंट करेंगे तो 1000-1500 रुपये में हो जाएगा, बाद में लाखों लाखों रुपये में भी ठीक नहीं होता। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके लीवर में समस्याएं आ रही हैं, आपका लीवर डैमेज हो रहा है, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमारे लीवर का काम होता है हमारे शरीर से टॉक्सिक एलिमेंट को बाहर निकालना, रिमूव करना और साथ में हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करना। ठीक है, और भी बहुत सारे काम होते हैं लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट काम होते हैं। अगर आपको भूख कम लग रही है, अगर आपको पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, आपने खाना नहीं खाया फिर भी आपको पेट भरा भरा महसूस हो रहा है, या अगर आपको गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन की समस्या हो रही है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, आपके लीवर में कमी आ रही है। सेकेंडरी, अगर आपका शरीर पीला सा है, आपकी आँखों पर पीलापन हो रहा है, तो ये एक सिम्टम है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, क्योंकि आपके शरीर में बिलरुबिन को, आपके ब्लड में बिलरुबिन को मेंटेन रखने का काम वहाँ लीवर करता है। और बिलरुबिन बढ़ने की वजह से, ये बिलरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंटेशन होता है, जब ये खून में बढ़ने लगता है तो आप येलोइश हो जाते हैं, यानी कि आप पीले महसूस होते हैं। ठीक है, नहीं तो ये दूसरा सिम्टम होता है अगर आपका लीवर डैमेज है। तो थर्ड, अगर आपकी स्किन डैमेज हो रही है, तो आपकी स्किन पे स्किन प्रॉब्लम हो रहे हैं, स्किन की बीमारियां हो रही हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। नंबर चार, अगर आप अपने शरीर में कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तबीयत का गिरा पड़ा होना महसूस कर रहे हैं, थकावट ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लीवर में डैमेज आ रहा है। नंबर 5, अगर आपका पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है आपके शरीर के मुकाबले। देखिए, कोई भी इंसान मोटा होता है वो एक अलग बात है, उसमें होता यह है कि इंसान के पूरे शरीर पे फेट बढ़ रही होती है, तो पेट पे भी फेट बढ़ रही होती है, वो एक अलग चीज़ है। एक इंसान के हाथ पैर तो पतले पतले से हैं लेकिन उसका पेट आगे को बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नहीं जैसे किसी ने मटका रखा हुआ है, तो हो सकता है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, आपके पेट में पानी भर रहा हो, असाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा हो। ठीक है, नहीं तो ये एक सिम्टम होता है जब आपका पेट फूलने लगता है, भरने लगता है, कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। नंबर 7, अगर सुबह सोकर उठने के बाद आपका जी ख़राब होता है, आपको वॉमिट फील होता है, या आपको बार बार उल्टियाँ आती हैं, 3 दिन के बाद उल्टियाँ आ रही हैं, 6 दिन के बाद उल्टियाँ आ रही हैं, तो हो सकता है कि आपका लीवर ख़राब हो रहा था। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको अर्ली स्टेज में आते हैं जब आपका लीवर ख़राब हो रहा होता है। ठीक है, तो इन सिम्टम्स को ट्रैक करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, और फिर अपने डॉक्टर से मिलके आप इसको सही करके टेस्ट करा सकते हैं। इसके टेस्ट के लिए लीवर फंक्शन एक टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट होता है, इसके अलावा अल्ट्रासाउंड होता है, उसके अंदर भी लीवर की पोजीशन पता लग जाती है, और फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि बाद को और कौन कौन से टेस्ट उनको रन कराने हैं। ठीक है, एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर कोई भी इंसान चाहता है कि उसका लीवर ज़्यादा हिस्से तक सेफ रहे, तो वो एक काम ज़रूर कर ले कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन ज़रूर लगवा ले। ठीक है, और एक बात का और ध्यान रखें, जो लोग ओबेस हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो लोग थोड़े मोटे हैं, उनको फैटी लीवर की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर 99% केसेस में जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको फैटी लीवर की शिकायत मिलती है, तो वो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लिया करें, और अगर उनको फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 कोई सा भी आता है तो उसको टाइम पर ट्रीट कर लें, वरना यही आगे चल के आपका लीवर सिरोसिस बनेगा और लीवर सिरोसिस आगे चल के लीवर कैंसर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी या बी हो जाता है, ये भी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और लीवर सिरोसिस से ही लीवर कैंसर बनता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात कर लेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें खाने की हैं जिनसे लीवर में डैमेज ज़्यादा होता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे लीवर सेफ रहता है। ठीक है, वो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे।